हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम काफ़ी कीमती है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस OB3 नए अपडेट में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी में चेंज होने वाला है। तो सभी का यहाँ पे मैं एबिलिटी टेस्ट करने वाला हूँ, कौन से कैरेक्टर में क्या चेंज हुआ है बारीकी से डिटेल में आपको मैं एबिलिटी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसकी एबिलिटी हम नई कैसे वर्क करने वाली। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन उसको दबा कॉल पर सेट करना है ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इस वाली वीडियो में हम टेस्ट करेंगे इलाइट अलवारो की। तो यहाँ पर इलाइट अलवारो जो इसका न्यू वर्जन आ चुका है, ये करेगा क्या, जैसे ही आपका ग्रेनेड फटने वाला होगा उसके जस्ट एक सेकंड पहले एक ग्रेनेड के 3 ग्रेनेड और हो जाएंगे, यानी कि टोटल 4 ग्रेनेड हो जाएंगे और बाकी का जो मेन ग्रेनेड होगा वो 100% का डैमेज देगा, बाकी के दूसरे जो 3 ग्रेनेड होंगे वो 30-30% का डैमेज देंगे। आप एबिलिटी टेस्ट करके देख लेते कि कैसे वर्क करने वाला है। तो अगर आप इलाइट तलवार लेके खेल रहे हो और नॉर्मल ग्रेनेड फेंकते हो तो नॉर्मल ग्रेनेड फेंकने में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ग्रेनेड है 1 के 3 तो होंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि आपने डायरेक्ट इसको फेंक दिया है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने इसको ग्रेनेड को फेंका, आपको दिख नहीं रहा होगा कि 1 के 3 ग्रेनेड हुए, लेकिन अगर पास में जाकर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 1 के 3 ग्रेनेड और हो चुके हैं जो कि फटेंगे और 30% का मोर डैमेज भी देंगे, लेकिन ये दूर दूर नहीं हुआ क्योंकि जस्ट 1 सेकंड पहले ही स्प्लिट होते हैं, अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पे इसको कुक करके फेंकना होगा, यानी कि आपको ग्रेनेड को थोड़ी देर कुक करना होगा, यहाँ पे टाइमिंग चलनी चाहिए। उसके बाद में आप फेंकोगे तो आपको 3 लाइन देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको कुक किया यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिख रही है कि 3 अलग अलग ग्रेनेड इस तरीके से जाएंगे, जैसे आप इसको फेंकोगे तो यहाँ पे 30% मोर डैमेज देंगे और तीनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि हाथ में ही नहीं फटना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ में ही फट गया तो आपको खुद को डैमेज होगा। यहाँ पे इसको काफ़ी ध्यान से आपको कुक करके फेंकना होता है, एकदम एक्यूरेट टाइमिंग पे फेंकना होता है, जिससे कि स्प्लिट भी हो जाए और आपको भी डैमेज ना हो। अब एनिमी के ऊपर इसका एबिलिटी टेस्ट करके देख ले। तो सबसे पहले हम मेन ग्रेनेड की बात करते हैं, जो हमारा मेन ग्रेनेड होगा वो कितने का डैमेज देगा। तो जो मेन ग्रेनेड, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको मेन ग्रेनेड को फेंका है और यहाँ पे मेन ग्रेनेड हमारा लगभग 250 से 300 के बीच में डैमेज देने वाला है, जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसाइड करता है कि कितना पास में फटा है एनिमी के। ये थोड़ा सा ऊपर फट गया था इसलिए यहाँ पे आपको 250-42 के आसपास डैमेज देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं हमारे तीसरे जो ग्रेनेड होते हैं, 3 ग्रेनेड जो स्प्लिट होने वाले हैं, उनमें से 1 ग्रेनेड का कितना डैमेज होने वाला है। तो जैसा कि आप लिखा हुआ है कि 30% मोर डैमेज देगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एबिलिटी टेस्ट करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने सिर्फ एक स्प्लिट हुआ था, दूर हुआ था, उसको ही अंदर जाने दिया है, तो उसका 62 का डैमेज हुआ है और अगली नेक्स्ट क्लिप में आपको 82 का डैमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो डैमेज है थोड़ा सा आसपास तो एनिमी के होता है जितना, उतना डैमेज देखने को मिल जाता है, 60 से 80 के आसपास डैमेज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कैरेक्टर होने वाला है अपडेट के बाद में। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और कितना ओपी लगा, ओवर पावर हो जाएगा फिर नहीं होगा। काफ़ी सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ओवर पावर हो जाएगा, तो अब देखते हैं अपडेट के बाद में कितना काम आने वाला, क्योंकि इसको कुक करके फेंकना काफ़ी जरूरी है। बिना कुक किए अगर आप फेंकते हो तो इतना कुछ खास काम नहीं करने वाला।